वो भारतीय और हर वो हिंदू का बस एक ही एक डिमांड होना चाहिए कि कानून बने, नहीं तो हमें आता है कानून बनाना, या आप ठोके या हमें भी ठोकना आता है। कि आने वाला समय संघर्ष का समय है, युद्ध का समय है। हर हिंदू को संगठित होकर छत्रपति शिवाजी महाराज का मौला बनने की आवश्यकता है। मेरे बाला साहब ठाकरे क्या बोलते थे पता है? कि मेरा हिंदू मंदिर का घंटा मारने वाला हिंदू ना बने, लांडों को ठोकने वाला हिंदू बने, लोकसभाओं में ठोकने वाला हिंदू बने, धर्मांतरण करने वाले पर ठोकने वाला हिंदू बने। अरे मेरे छत्रपति शिवाजी महाराज ने गौ माता की रक्षा के लिए बाजू में कसाई का हाथ काटा था, कसाई की गर्दन काटने वाला हिंदू बने। ये बाला साहब ठाकरे जी का सपना था और उनके बोल थे। आज महाराष्ट्र की पवित्र धरती, हिंदुओं की धरती, सचमुच में इसको फिर से एक बार हिंदुओं की अगर धरती बनाना है तो तैयार हो जाओ मेरे हिंदू, कमर कस लो। ये चिंगारी महाराष्ट्र से उठनी चाहिए, पूरे भारत देश में एक ज्वालामुखी बननी चाहिए। जब तक धर्मांतरण पर, गौ हत्या पर, लव जिहाद पर कानून नहीं बनता है, हमें खामोश बैठना नहीं है। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, अगर इस चिंगारी को यहीं रोककर लव जिहाद पर, धर्मांतरण पर अगर कानून नहीं बनाती है तो ये छोटी सी चिंगारी ज्वालामुखी बनने वाली है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार को मैं आज कहना चाहूंगा कि ये वो हिंदू नहीं जो देखकर भी सोता था, आज का वो हिंदू है जो लांडा सर उठाता है, उसका सर कुचलना भी आता है आज के हिंदू को। आज हमें हर घर से एक छत्रपति शिवाजी की आवश्यकता है। अरे वो समय पर एक अफजल खान था जिसका सीना चीर के मेरे शिवा ने भगवान लहराया था, लेकिन आज लव जिहाद के नाम पर, धर्मांतरण के नाम पर, हर गली हर चौराहे पर अफजल खानों की संख्या बढ़ते जा रही है। तो बोलिए कितने हमें छत्रपति शिवाजी महाराज चाहिए, बोलिए। घर घर शिवाजी महाराज चाहिए, जिस घर से अफजल निकलेगा उसको फाड़ा जाएगा। मेरी मातृशक्ति से निवेदन करना चाहूंगा, आपको सेल्फ डिफेंस सीखना है, लड़ने की कला आपको भी सीखनी है, क्योंकि आने वाला जो समय है केवल 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 युद्ध का समय है। तो जो भी कार्यकर्ता लव जिहाद, कन्वर्शन, गौ हत्या के खिलाफ अगर कोई कार्यकर्ता युद्ध करता है तो सरकार पूर्ण रूप से उस कार्यकर्ता को फाइनेंशियली और फिजिकली सपोर्ट करे। ये मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा। और जो भी खरीदे, एक रुपए की चीज हो या लाख रुपए की चीज हो, जो भी खरीदे हिंदू से खरीदे। इन जिहादियों से ना खरीदे, और खरीदने से पहले आपको या ये सपोज ये पानी का बॉटल है, इसके पीछे स्टिकर होता है, उस स्टिकर पर हलाल सर्टिफिकेट जैसा कोई सिंबल है क्या? देख लेना, अगर हलाल नामा कोई सर्टिफिकेट है उस चीज को फेंक देना, क्योंकि जिस चीज पे हलाल सर्टिफिकेट रहेगा समझ जाओ कि आपका रुपया आपको मारने के लिए आप खुद उस व्यक्ति को पैसे दे रहे हो। चूड़ी से लेके बिंदी तक, आटे से लेके चावल तक, तेल से लेके हर चीज में हलाल सर्टिफिकेट, हलाल सर्टिफिकेट, हलाल सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। ये कोई इस्लामिक देश नहीं, ये मेरा भारत देश है, और आने वाले समय में ये